तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में समय पर आउटडोर में चिकित्सकों के नहीं आने की मिल रही शिकायतों को लेकर ईटीबी की टीम ने आउटडोर का जायजा लिया। इस दौरान देखा कि यहां लगभग 10 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन समय पर मात्र एक ही चिकित्सक मौजूद मिला। आउटडोर के बाहर मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिली। दूर दराज से आए मरीजों को घंटों लाइन में लगने से परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। ईटीबी की टीम ने तीन अलग अलग कमरों का जायजा लिया, जहां चिकित्सक नदारद दिखे। सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर न ही सीनियर डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और न ही अन्य चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद थे। अस्पताल परिसर का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। ईटीवी संवाददाता राजीव गौड़ ने, आप देख सकते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया और कहीं ना कहीं स्वाइन फ्लू का खतरा भी नजर आने लगा है, लेकिन कई मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही है। इस वक्त हमें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के अंदर, और जो निर्धारित समय की बात करें तो इस वक्त 9 बजे के बाद का समय हो चुका है, यानी कि आउटडोर का वक्त हो चुका है। और जाकर के देखते हैं कि जो डॉक्टर्स जो हैं वो कितने यहां पर पहुंच चुके हैं और किस तरह से जो मरीजों के लिए सुविधा की गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम बात करें तो एक भी चिकित्सक जो है यहां पे मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉली है। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ आउटडोर में और कितने लोग बैठते हैं? एक मिनट, आपके पास परमिशन है क्या यहाँ सुप्रिंटेंडेंट से? तो आप देख सकते हैं कि एक तो आउटडोर में डॉक्टर्स नहीं है, ऊपर से यहाँ जो स्टाफ के जो लोग हैं वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि परमिशन है क्या। ये जो बाहर मरीजों की जो कतार लगी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मरीज सफर करते हैं। रोजाना एक सिस्टम बना हुआ है, समय पर चिकित्सक यहाँ नहीं पहुंचते हैं और जो पहुंचते हैं वो यहाँ, जिनका उसने तो एप्रन है और न ही आप देख सकते हैं कि कोई पहचान बताने की जरूरत है। यहाँ आकर के देखें, यहाँ एक चिकित्सक जरूर बैठे हैं, बाकी जो चिकित्सक यहाँ नहीं है। सर, यहाँ डॉक्टर्स नहीं आए हैं आउटडोर का समय 9 बजे का? डॉक्टर्स तो हम क्या बता सकते सर, हम तो नर्सिंग स्टाफ वहीं पूछो। आप देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ जरूर है, चिकित्सक यहाँ देखे तो सिर्फ एक मात्र चिकित्सक मिला है। परेशानी तो होती है सर। हाँ, परेशानी होती है, विदेश लाइन में खड़े हैं। एक एक्साइटमेंट होता है, सुबह जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, जब डॉक्टर नहीं मिलता है और लाइनों में खड़ा होने पर तो तकलीफ होती है। हाँ, बहुत तकलीफ होती है, घंटे भर से यहाँ खड़े हैं लाइन में। वो पहले वहाँ पर्ची लेकर इधर आए, अभी किस तरह से परेशानी, क्योंकि थोड़ी देर बाद पूरा खचाखच बढ़ जाएगा। पूरा खचाखच बढ़ जाए, अभी भी भीड़ है तो बाद में तो भीड़ होगी, बहुत भीड़। देख सकते हैं जो लोग हैं वो हैरान और परेशान इसलिए कि वो बारी, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यहाँ जो डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं तो परेशानी जो है लगातार खड़ी हो जाती है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, जोधपुर।